अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो बेसिकली आज की जो वीडियो थी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी कि आप किसी कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी में सऊदी अरेबिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपका इकामा, ठीक है, जो आपका इकामा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। अगर आप एज अ डेवलपर हैं तो उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंशन हो, ठीक है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं तो उसके ऊपर फुल स्टैक डेवलपमेंट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें अब दो से तीन चीज़ें मैं आपके माइंड में यही कर देता हूँ कि मैं जिस पहली कंपनी में काम करता था ना, तो वहाँ पर मैं एज अ एप्लीकेशन डेवलपर था, ठीक है, और मेरा जो इकामा है ना वो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना। अब मैं न्यू कंपनी में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहाँ पे जो मेरा इकामा होगा ना वो मेरा एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, वो कामा आपका लेबर का बना देती हैं, ठीक है, और आप एज अ डेवलपर काम कर रहे होते हैं, जो कि एक बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है, थोड़ा शोर ज़्यादा है। अच्छा, ये चलिए फिर बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यार सीन ये है कि आपको अलाउंस, ठीक है, वो लाजमी मिले। आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है, या तो कंपनी अकोमोडेशन लाजमी प्रोवाइड करे, अगर अकोमोडेशन नहीं दे सकती तो अलाउंस आप इतना लें कि आप मैनेज कर पाए अपना अकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है एरिया के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पर आप सेंटर ऑफ रियाद रहते हैं, ठीक है, मैं भी तकरीबन रियाद के सेंटर में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो अकोमोडेशन की प्राइसेस है ना एक अपार्टमेंट की, जिसमें सिंगल रूम, किचन और एक बाथरूम, ठीक है, और इसकी जो प्राइस रेंज है ना तकरीबन 20,000 रियाल तक बनती है, एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने माइंड में उस हिसाब से रखिएगा कि आपको इतना अलाउंस मिले कि आप अकोमोडेशन मैनेज कर पाए, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, वो आपसे पूछते हैं कि मतलब कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या आप शादीशुदा हो या नहीं। अब मिसाल के तौर पे आप ये बता दें कि ये मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, ठीक है, मैंने अकोमोडेशन ले चुका हूँ, ठीक है, और मेरा लिए वॉकिंग डिस्टेंस है, तो फिर वो उस हिसाब से आपको सैलरी बता देंगे। और अगर आप ये कहोगे ना कि मैं तकरीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर रहता हूँ, ठीक है, तो वो तकरीबन आपको 500 रियाल मज़ीद दे देंगे आपके आने जाने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कि शादी की बात, अगर तो आप शादीशुदा नहीं है, मैं तो कहूँगा आप उन्हें कह देना मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो वो 1,000 रियाल की कंपनसेशन और आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपको मजीद वो 1,000 रियाल प्रोवाइड कर देंगे। ये यकीन माने, आप माने या ना माने, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, झूठ भी बोला चाहिए, आपके ऊपर है यार, अगर आप बताना चाहो तो बता दो, मैंने नहीं था बताया, ठीक है, मैंने कहा था मैं सिंगल हूँ, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ गलतियाँ थी मेरी, अगर तो मैं ये करता तो मुझे मतलब कि एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती, समझ रहे हो। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यार सबसे मेन चीज़, जो कि आपकी हेल्थ है, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी दे, चाहे ए क्लास दे, बी क्लास दे, चाहे सी क्लास दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड है इंडियन है, ठीक है, उसको बेसिकली वो आज़ाद वीज़े पे आया था, उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी, उसके काफ़ी पैसे लग गए थे, उसको हार्ट अटैक आया था, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब कि कितनी हैंडसम अमाउंट वहाँ पे लगी थी, ठीक है। और इसलिए मैं चाह रहा हूँ मतलब कि आप, मेरा जो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस है ना वो ए क्लास है, ठीक है, बी क्लास भी बहुत अच्छी होती है। ए क्लास में ये है कि मैं इवन के अपनी सर्जरी भी करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बी क्लास में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, मुझे आइडिया भी नहीं है बी क्लास में क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह सी क्लास भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब आपने लाजमी करना, लाइक वीडियो को आप लाजमी कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिर उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।